morning all of you. कक्षा 12 हिंदी साहित्य काव्य गुण इसका जो थर्ड पार्ट है वो चल रहा था. तो फर्स्ट पार्ट में था आपके काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं. काव्य गुण की परिभाषा थी, उनके लक्षण बताए, विशेषता बताई है. फिर जो सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में था आपका ओज गुण, वो कंप्लीट हो गया था. ओज गुण उसका उदाहरण बचा था, वो आपको मिल रहा है सेकंड पार्ट. तो ओज गुण था उसका एग्जांपल उदाहरण था वो सेकंड पार्ट में है. और सेकंड पार्ट में ही आपके प्रसाद गुण है. आज आपको थर्ड पार्ट है आपका काव्य गुण का, उसमें है आपके माधुर्य गुण. तीसरा गुण कौन सा था? माधुर्य गुण. माधुर्य गुण है ये आपका तीसरा गुण बताया है. तो माधुर्य गुण क्या है? जब किसी रचना का काव्य अनुसरण करने पर मन क्या हो जाता है? आनंदित हो जाता है. एकदम से क्या हो जाता है? आनंदित या खुशी हो जाता है. तो जब किसी रचना का काव्यानुशीलन करने पर जब किसी रचना का काव्यानुशीलन करने पर लगे वहां माधुरी गुण होता है. वहां माधुरी गुण होता है. देखो क्या है माधुरी गुण? जब किसी रचना का काव्यानुशीलन करने पर मन आनंद रोमांच एवं रति भाव से भरकर नृत्य करने लगे वहां माधुरी गुण होता है. ये रति क्या है? ये आपका क्या है? आगे होगा शायद आपके सिलेबस में नहीं है. तो जो गुण है उसमें था कि माधुरी गुण के साथ जैसे रति होती है वैसे ही जहां हो जाते हैं, विमल सरस हो जाता है. ये किसके आता है? ओज गुण.
मिले वो। अब देखो आगे क्या है, व्यधर्म की 30 नंबर हास से मासले जैसे रस्म का प्रयोग किया जाता है। क्या बताया इसे, व्यधर्म की रीति होती है इसमें, कौन सी रीति होती है, वहां क्या होता है, श्रृंगार रस होता है, और श्रृंगार रस होगी तो क्या पैदा होगा, रति होगी, और रति होगी तो वहां पे आपका कौन सा गुण होगा, माधुर्य गुण होगा, कौन सा गुण होगा, माधुर्य गुण होगा। देखो हास्य, हास्य का अर्थ होता है मजाक भरी, तो श्रृंगार रस होता है, हास्य रस होता है, हास्य रस होता है, इससे वात्सल्य जैसे रसों का प्रयोग किया जाता है, श्रृंगार रस, हास्य रस, वात्सल्य रस, इन रसों का क्या किया जाता है, इसमें प्रयोग किया जाता है। माधुरी का वैसे अर्थ क्या होता है, माधुरी का अर्थ क्या होता है, माधुरी का माधुरी मधुरता है, जिसमें जरसना मधुर बढ़े, मधुरता आकार में जो रचना रस भर दे, इसमें देखो क्या है, विशेषताएं देखें, माधुर्य गुण का अर्थ, तो देखो माधुर्य गुण क्या है, जब किसी रचना का काव्यानुशीलन करने पर मन आनंद रोमांच प्रति भाव से भरकर नृत्य करने लगे, वहां माधुर्य गुण होता है। रीति होती है इसमें, वैधर्मी रस होता है, श्रृंगार रस, हास्य रस की ज्यादा वासना रखते, लेकिन 99% आपको ये भी मिलता है श्रृंगार रस। माधुरी का अर्थ होता है मधुरता, था हृदय में जो रचना रस भर दे, उसको बोलते हैं माधुरी गुण। अब अपन आगे चलेंगे माधुरी गुण की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो यहाँ तक शायद आपके समझ में आया होगा, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अपना पार्ट फर्स्ट में था वो जरूर, उसका उदाहरण आपको पार्ट सेकंड में मिलेगा, और सेकंड में आपको वो प्रशांत गुण मिलेगा, और पार्ट थर्ड में आपको मिलेगा माधुरी गुण, और तीनों पार्ट में आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। आज आपकी फिनिश हो जाएगी क्लास काव्य गुण की, और बाकी आपका काव्य गुण कंप्लीट हो जाएगा। तो काव्य गुण में तीन क्लास है हमने आपकी, ओज गुण, प्रशांत गुण और माधुर्य गुण थी। तो यहां तक आपके समझ में आया होगा, आगे देखो विशेषताएं। Thank you.
वर्ण और नाक से बोले जाने वाले वर्ण ही पंचम वर्ण होते हैं, यानी कि वर्ण का तय वर्ण का अंतिम वर्ण कौन सा होता है? नंग। चय का अंतिम वर्ण होता है क्ये, तय का अण, तय का न और पय वर्ण का मय। ये क्या है? पांचवा अनुनासिक वर्ण है, तो पंचम वर्ण या अनुनासिक वर्ण। चौथा है विशेषताएं आती है रे और अण। रे और अण क्या होता है? हर्ष रूप में प्रयोग होते हैं। Okay।
मैं सतवान हुए लेकिन टै ठै डै ढै को छोड़कर रे और अणे क्या होने हर्ष रूप में प्रयुक्त होते। कोमल मधु रचना होती है बहुत ही, जैसे गुलाब के फूल पंखुड़ियों के समान कोमल होती है, मिठास होता है उसके अंदर, समास का अभाव होता है, बड़े बड़े समास इसमें नहीं होते हैं, कभी कभी यहाँ पर आपको छोटे छोटे समास मिल जाते हैं। संयुक्त अक्षरों का अभाव होता है, ये संयुक्त अक्षर मैंने पहले बता दिए क्या होते हैं, तो वे वर्ण जो किन्हीं दो अक्षरों से मिलकर के बनते हैं वो संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। जैसे अक्षर त्रय गे स्वय धै क्या है, संयुक्त अक्षर है, तो इनका क्या होता है यहाँ अभाव होता है। तो देखो क्या है, अनुनासिक वर्ण मिलेंगे आपको, अनुस्वार मिलेंगे, जो रचना है वो मधुर मिलेगी, समास का अभाव मिलेगा, इस प्रकार की जहाँ कंडीशन मिलेगी वहां आपको माधुर्य गुण मिलेगा। तो आगे इसका एग्जांपल देखिए क्या है, यहाँ तक शायद आपको समझ में आया। तो इसका एग्जांपल देखिए क्या है, विशेषताएं समझ लिए आपने, पर माधुर्य गुण होता क्या है। अब अपन किस प्रकार का इसका एग्जांपल मिलेगा आपको, देखो निरख सखी ये खंजन आए, उदाहरण है इसका, निरख सखी ये खंजन आए, निरख सखी ये खंजन आए, खेरे उन मेरे भावन ने, फेरे फेरे उन मेरे भावन में, फेरे उन मेरे भावन ने।
धुनी सुनी धुनी सुनी कहकर लखन कहकर लखन सन राम हृदय दीन कहकर लखन देखो क्या है कंपन किंकरी नूपुर ध्वनि सुनी पैरों के जो पायल होते हैं उनकी मधुर ध्वनि सुनाई देती है कह तो लखन सन राम हृदय की और राम के हृदय में क्या होते गुनगुनाट होते मान मदन भूमि जिनी मनसा ईश्वर विजय कर लेनी और उनके मन में संसार को विजय करने प्रकट हो जाती है लेकिन क्या होता है पायल की झनकार उनके कान में सुनाई देती है क्योंकि साथ साथ में कौन थी सीता भी थी तो इस प्रकार से जो ये भाव है यहाँ पर भी क्या होती है एक तो वात्सल्य भाव होता है बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम और दूसरा है एक पति पत्नी का यहाँ पे प्रेम इसमें यहाँ कौन सा गुण हो रहा है माधुर्य गुण पैदा हो रहा है तो आपकी जो क्लास थी तीनों पार्ट तीनों में काव्य गुण कंप्लीट होता है ओजुन हो गया प्रसाद हो गया और आज माधुर्य गुण भी कंप्लीट हो गया अगली क्लास में देखते हैं आपका जो टॉपिक बच गया है वो करवाएंगे।